Beginning of history with Frederick Soria's four print, 1848. Next, Treaty of Vienna, 1815. Post Duke Metternich. पहले चलो सारे years बोलती हूँ मैं. Then 1804 Napoleon became the ruler of France. He issued civil codes in 1804. Treaty of Vienna 1815, Liberal Revolt 1830, Greece became independent nation in 1832, Zollverein was introduced in 1834. Next, इसके बाद आपके आ जाते हैं जैसे years, Frankfurt Parliament 1848, 18th May 1848. Slesia revolt 4 June 2 p.m. because time is given and 1845. इसके बाद आप क्या जाते हैं? Next is unifications. Unification of Italy 1861. Unification of Germany 18th January क्योंकि date इन्होंने date भी दी हुई है 18th January 1871. नेक्स्ट आ जाता है आपका फिर यूनिफिकेशन है फिर एम्परर जो एम्परर बने आपको अब वो पता होना चाहिए बिकॉज कल आप गलत बता रहे थे विलियम वन को विलियम टू बोल रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल रूलर ऑफ प्रशिया जैसे मैं बोलू चीफ मिनिस्टर फिर प्राइम मिनिस्टर बोलू ऐसे तो पहले वाली पोस्ट छोटी है दूसरी वाली बड़ी है ऐसे. पहले तो मैंने बोला रूलर ऑफ प्रशिया ड्यूरिंग द आप बोलोगे फर्स्ट फेज ऑफ द आप कह सकते हो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या फिर ड्यूरिंग द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. तो हु वाज द रूलर ऑफ जर्मनी देन विलहेलम फोर एंड हु अंडर होम जर्मनी वाज यूनिफाइड विलियम वन. तो ये याद रखना है विलियम वन बिकेम द एम्परर ऑफ होल जर्मनी. हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑटो वन बिस्मार्क. कल क्वेश्चन था थ्री वार्स प्रशिया की जो थ्री वार्स हुई वो बताओ. प्रशिया की तो आपने वार्स ही नहीं पढ़ी तो आपको फिर ये याद रखना चाहिए कि यूनिफिकेशन के टाइम बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया एंड ही फोर थ्री वार्स याद है ना. ही फोर थ्री वार्स विद इन सेवन ईयर्स और वो थ्री वार्स किस किस के साथ हुई थी. फर्स्ट विद पहले वाली वार किसके अगेंस्ट डिक्लेयर की थी ऑस्ट्रिया. सेकेंड अगेंस्ट डेनमार्क. थर्ड अगेंस्ट फ्रांस जिसे हम कहते हैं फ्रेंको प्रशियन वार. तो ये कल थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया हुआ था ऐसे दिया हुआ था घुमा के क्वेश्चन कि प्रशिया की थ्री वार्स बताओ. प्रशिया की थ्री वार्स मींस प्रशिया जगह ने थोड़ा वार लड़ी वहां के चीफ मिनिस्टर ने लड़ी ना तो मीन्स बिस्मार्क की है तो आपने बिस्मार्क वाली थ्री वार्स बतानी थी. तो इसके बाद आपको इटली का पूछा जा सकता है जैसे नॉर्थ इटली किसके अंडर था साउथ इटली किसके अंडर था सेंट्रल इटली किसके अंडर था. हु वाज द रूलर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट. कौन सी इटालियन बॉर्न प्रिंस के अंडर स्टेट थी. ये सारे वन मार्क क्वेश्चंस हैं. विच स्टेट वाज अंडर द इटालियन बॉर्न प्रिंस सार्डिनिया पीडमोंट. तो सार्डिनिया पीडमोंट का अगर आपको पूछा जाए रूलर तो विक्टर इमैनुअल टू. हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट. Count Cavour. Who is known as Bismarck of Italy? Count Cavour. अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि Count Cavour को help मिली. Firstly from France. He declared war against Austria. He got help from France. And in second South Italy में he got help from Garibaldi. तो यहाँ पे पूछा जा सकता है who was Garibaldi? Patriotic soldier of South Italy. Who was famous for red shirt soldiers? Garibaldi. तो इस वे से लर्न रखना है. हु हेल्प काउंट कैवूर इन द यूनिफिकेशन ऑफ साउथ इटली. अगेन गस्सप गैरिबाल्डी इसका पूरा नाम है. तो इसने हेल्प की थी एंड साउथ इटली वाज यूनिफाइड इन 1861. हु बिकेम द एम्परर ऑफ होल इटली आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन. विक्टर इमैनुअल टू. फिर आपको पूछा जा सकता है कैपिटल सिटी ऑफ इटली रोम सबको पता है. एंड किस पैलेस में विलियम वन की ओथ सेरेमनी हुई थी एज एन एम्परर एज ए एम्परर ऑफ जर्मनी. ऑल ऑफ मिरर्स एट वर्सेल्स. ऑल ऑफ मिरर्स एट
वर्सेल्स ओथ सेरेमनी जहां पे उसकी हुई। अब फिर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं फिर बोलती हूँ, एक बार बल्कन प्रॉब्लम में याद रखो, इनहैबिटेंट्स ऑफ बल्कन कौन थे? इटालियन थे, जर्मन थे कि स्लेव्स थे? स्लेव्स। इनहैबिटेंट्स ऑफ बल्कन, जैसे हम हैं इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडियंस हम, तो इनहैबिटेंट्स ऑफ बल्कन कौन थे? स्लेव्स। एस एल ए वी एस, लर्न इट। नेक्स्ट, बल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के अंडर था ना, तो पीपल ऑफ बल्कन वॉन्टेड टू गेट फ्रीडम बिकॉज दे वर क्रिश्चियंस बट दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स। अब याद है ये बिग पावर्स याद है वहां की? तो अब फिर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आ जाओ, फ्रेडरिक सोरियो के फोर प्रिंट्स, इसमें लीडिंग द प्रोसेशन कौन है? यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। एंड फ्रॉम द हेवन हु गेज्ड अपॉन द सी? क्राइस्ट, एंजल्स एंड सेंट्स। अगर पूछा जाए जर्मनी के फ्लैग के कलर, रेड गोल्ड एंड येलो, रेड गोल्ड एंड, तो ये कलर रेड ब्लैक एंड येलो, रेड ब्लैक एंड गोल्ड, गोल्ड ब्लैक एंड रेड, रेड ब्लैक एंड, जैसे मर्जी बोल दो, कलर ऑफ द फ्लैग्स ऑफ जर्मनी। ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है उसमें फ्रेडरिक सोरियो के प्रिंट्स में। हियर आर्टिस्ट वाज सोनिफाइड लिबर्टी इन द फॉर्म ऑफ कैप के फीमेल फिगर, क्योंकि पहले वो कैप भी थी जिसमें वो रेड कैप शो करते होते थे, सिंबलाइज लिबर्टी फ्रांस में। तो अब आर्टिस्ट ने लिबर्टी को किस फॉर्म में दिखाया? फीमेल फिगर। फीमेल फिगर के एक हाथ में क्या? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। दूसरे हाथ में क्या? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। बिफोर द स्टैचू लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? डेमोक्रेटिक एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो इस वजह से फ्रेडरिक सोरियो के प्रिंट्स लर्न रखो। कौन सी कंट्रीज में फ्रेंच आर्मी गई? बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, या फिर मैं बोलूं बेल्जियम, रशिया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन, कहाँ गई? बेल्जियम, हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, लेटर इटली। कौन सी सिटीज हैं? सबको पता है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, मेन मिलान एंड वर्साय, सिटीज थी जहाँ पे फ्रेंच। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज? क्या लेके गए थे, किस कौन सा आइडिया लेके गए थे? नेशन स्टेट का, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का आइडिया लेके गए थे कि नेशन स्टेट? नेशन स्टेट हेल्प द कंट्रीज टू बिकम एंड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम डेमोक्रेसी के डेस्पोटिक रूल, डेस्पोटिक रूल। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट इज इसके बाद आपका जैसे आया था नेपोलियनिक कोड, इसमें गिल्ड्स का क्या मतलब है? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। व्हाट डू यू मीन बाय गिल्ड्स? Association of weavers, association of peasants, association of workers, association of traders, association of traders, जो traders के right के लिए लड़ती होती थी, guilds। इसके बाद नेपोलियनिक कोड के बाद आ जो ट्रीटी ऑफ वियना, who was the host, who said when France sneezes Europe catches cold? अब Poland was given to Russia, Saxony was given to North Italy, was given to Austria, North Italy was given to Austria। तो ये भी questions पूछे जा सकते हैं। Germany was divided into how many states? 39 states। Italy कितनी states में बड़ा हुआ था? 7 states। Italy was divided into Germany 39। Political division of Switzerland। अरे आप political division, very good, political division of Switzerland, cantons, political division of Italy, hurry up, duchies, political division of Italy, political division of Germany, kingdom, political division of India, states, states में बड़ा हुआ है ना इंडिया, तो ऐसे ही मैं उनका पूछ रही हूँ, political division of Germany, kingdom, political division of Switzerland, कैंटन, सी एन टी ओ एन एस, पोलिटिकल डिविजन ऑफ इटली, डचेस, तो ये पोलिटिकल डिविजन भी आनी चाहिए। नेक्स्ट इज इसके बाद आपका आ जाता है जैसे हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज़ेस यूरोप कैचेस कोल्ड, ड्यूक मेटरनिच। हु वाज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ड्यूक मेटरनिच? हु वाज मेज़नी? वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी। ही वाज मेंबर ऑफ विच सीक्रेट सोसाइटी? कार्बोनेरी। अगर तो मेंबर पूछा तो कार्बोनेरी,
अगर उसकी सेटअप की हुई सोसाइटी पूछी कोई भी, जैसे ऐसे पूछेंगे फिर कि विच सीक्रेट सोसाइटी वाज सेटअप बाय मेजनी एट बर्ने, यंग यूरोप, एट मर्सेल्स, यंग इटली, एंड मेजनी वाज द मेंबर ऑफ विच सीक्रेट सोसाइटी. अब आपको कंफ्यूज करने के लिए नीचे दिया जाए, यंग इटली, यंग यूरोप, कार्बोनेरी, तो आप बताओ कौन सी. आपने तो कंफ्यूज होकर बैठ जाना क्योंकि मैंने मेंबर पूछा है, सेटअप नहीं पूछा. अब इसी को मैं चेंज करके बोलूं, आउट ऑफ दिस विच सीक्रेट सोसाइटी वाज सेट अप बाय मेजनी. नाउ लिसन केयरफुली, मैंने अभी ऑप्शंस ही नहीं बोली, लिसन केयरफुली. कार्बोनेरी, रेवोल्यूशनरी, यंग इटली, जैकोबिन, यंग इटली. तो इस वे से ऊपर पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि मेंबर पूछा है कि सेटअप पूछा है. अगर मेंबर है तो कार्बोनेरी सीक्रेट सोसाइटी, ही वाज द मेंबर ऑफ कार्बोनेरी. ही पार्टिसिपेटेड इन विच रिवोल्ट, फ्रेंच रिवोल्ट, लगुरिया रिवोल्ट, आयरलैंड रिवोल्ट, इन विच रिवोल्ट, लगुरिया रिवोल्ट. ही पार्टिसिपेटेड इन लगुरिया रिवोल्ट. कहाँ पे बर्थ हुआ था इसका, पेरिस, जेनोआ के लंदन. इस वे से लर्न करने है सारा, क्योंकि दिया हुआ है तो पूछा जा सकता है, ठीक है. ईयर भी दिया हुआ है 1807. 1807 अगर years are mentioned in the book तो learn करने पड़ेंगे. तो इसके बाद आ जाता है next topic is liberalism. The word liberalism is taken from Latin word liber meaning economic. ये किसमें कहा गया, right to vote is given to all. किस field में है, political field. अगर मैं बोलूँ equality before law, social. अगर मैं बोलूँ फ्रीडम ऑफ मार्केट, इकोनॉमिक फील्ड. तो इस वे से भी होंगे क्वेश्चन. आपको एक ऑप्शन देके पूछा जाना है, फील्ड पूछा जाना आपसे. इकोनॉमिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल के पॉलिटिकल के नेशनल, कौन सा फील्ड. ऐसे जैसे अभी मैं बोलूं फ्रीडम ऑफ ट्रेड वाज गिवन, नेशनल है ये इकोनॉमिक फील्ड. तो इस वे से राइट टू वोट वाज गिवन, पॉलिटिकल. नेक्स्ट मैं पूछू राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस. ठीक, नेक्स्ट लिबरलिज्म के, क्योंकि लिबरलिज्म टॉपिक तो आना ही नहीं है, उस वन मार्क ही आने हैं ना. तो नेक्स्ट चलो आप, इसके बाद आपका आ जाता है जैसे ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ग्रीस डिक्लेयर्ड, अगर तो आए डिक्लेयर्ड वार इन विच ईयर, तो ईयर बताओ. 1821. अगर आए ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832. Greece declared its war of independence in which year? Confuse करने के लिए दे देना 1821, 1832. आधों ने तो 1832 को कर देना, जबकि पूछा गया Greece declared its war. Declare तो कर दी 1821 में, but freedom कब मिली 1832. इंडिया ने तो revolt कब का कर दिया था 1857. तो वो तो 26 जनवरी 1930 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो pledge ली थी, 26 जनवरी 1930 would be celebrated as independence in the whole of India. तो इंडिया तो फ्री हुआ 1947 में, तो हम उस स्टेट को तो ले ही नहीं सकते. तो इसीलिए यहाँ पे भी ऐसा ही है, ग्रीक्स डिक्लेयर्ड देयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन, अब 1831 बोल रहा है, 1821 में वार डिक्लेयर की. देखो कितने साल उन्हें इंडिपेंडेंस लेने में लगे, 11 years. They got independence in 32 में जाके इंडिपेंडेंस मिली. याद रखना 11 इयर्स स्ट्रगल किया उन्होंने. विच कंट्रीज हेल्प ग्रीस टू गेट फ्रीडम, यूरोपियन. अब ग्रीस वाज नोन एज डैश ऑफ यूरोप, क्रेडल ऑफ यूरोप. अब विद विच ट्रीटी ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, कॉन्स्टेंटिनोपल. दिस ट्रीटी वाज, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन. जिसको ग्रीस भी के मैंने इंडिपेंडेंट नेशन बता, तो उसने ये भी कर लेना. 1832 मींस ग्रीस पहले इंडिपेंडेंट हो गया डच के अकॉर्डिंग, एंड ट्रीटी जाके साइन हुई 34 में. दो साल बाद वो वेट करते रहे कि अभी सोचते हैं देनी है कि नहीं फ्रीडम. वेरी बैड. विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस भी के मैन, हंस रहे हैं बच्चे तुम्हारी बात पे. विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस भी के मैन, कौन से ईयर में ट्रीटी वाज साइंड. अगर ग्रीस 32 में फ्रीडम मिली है तो ट्रीटी भी तो तभी साइन हुई है. हम कहते हैं नहीं ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. कुछ
उस ट्रीटी के साथ इसे फ्रीडम मिली है, तो वो ट्रीटी साइन 1832 में हुई है। इज इट क्लियर? अब तो नहीं 1834 होगी, आप कंफ्यूज होते हो, बिकॉज इन 1834 जोलब्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब मैं पूछूं कि हाउ मेनी कस्टम बैरियर्स ट्रेडर्स हैड टू क्लियर? 11। हाउ मच परसेंट ड्यूटी दे हैड टू पे? 5% कस्टम ड्यूटी। नंबर ऑफ ईले इन नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन ईले वर सेम? ईले वाज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड और क्लोथ। क्लोथ तो जॉल विद द कमिंग ऑफ जोलब्रिन नंबर ऑफ करेंसीज रिड्यूस्ड फ्रॉम डैश टू डैश। रॉन्ग। 3030 से 2। लर्न इट। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ करेंसीज ऑफ ग्रीस रिड्यूस फ्रॉम डैश टू डैश, अब नीचे ऑप्शंस हैं, जैसे एक मिनट, 30 से 2, 32 टू 2, 31 टू 2 एंड 28 टू 2। 32 कईयों ने 32 करना है, मैं बोल रही हूँ 30 से 2। अब मैं पूछूं विद द कमिंग ऑफ जोलब्रिन डैश वर अबॉलिश्ड, कस्टम बैरियर्स वर अबॉलिश्ड, व्हाट वाज जोलब्रिन? इट वाज कस्टम यूनियन। जोलब्रिन वाज, मैं पूछूं जोलब्रिन वाज करेंसी, कस्टम बैरियर के कस्टम यूनियन? इट वाज कस्टम यूनियन। तो इस वे से लर्न करो। नेक्स्ट, अब जोलब्रिन के बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, लिबरल रिवोल्ट ऑफ 1830। ठीक है, लिबरल रिवोल्ट में पहले तो ग्रीस ही, आपको पहले करना है फ्रांस। फ्रांस में 1830 में रिवोल्ट हुआ। हु बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस? लुइस फिलिप। किन्होंने बनाया? रेवोल्यूशनरीज, कंजर्वेटिव्स के लिबरल्स, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं रिवोल्ट लिबरल्स ने किया था, तो लिबरल्स ही बनाएंगे ना, लिबरल्स। उसके बाद सेकेंड रिवोल्ट टुक प्लेस इन बेल्जियम। This led the Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. Third revolt, Greece, जो कि अभी मैंने बोला। Who was the French painter who prepared the painting? Delacroix. Delacroix, French painter पूछा मैंने, जिसने कि एक painting बनाई थी, in which he showed how Greeks were cruelly killed by Turks. तो किसने बनाई वो painting? Delacroix. Delacroix was French painter. Who was Frederic Soriot? He was French artist. Delacroix was French. John Gottfried was German philosopher. He was German. Karel Kropotkin was Polish writer. He was Polish. Priest of Poland preferred to go to the jails of, वेरी गुड, साइबेरिया। कहाँ की जेल्स में चले गए? दे वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ डैश, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस। रशिया, रशियन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ पोलिश पीपल टू स्पीक देअर लैंग्वेज, दे वर फोर्स टू गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन रशियन लैंग्वेज, बट पोलिश प्रीस्ट रिफ्यूज्ड। तो दे प्रेफर टू गो टू विच जेल्स? साइबेरियन जेल्स। तो इस वे से लर्न रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके बाद आपके आया था, ये हो गया लिबरल रिवोल्ट। नेक्स्ट रोमांटिसिज्म भी हो गया। रोमांटिसिज्म था क्या? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट ऑफ दैट टाइम। इट वॉज लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट ऑफ दैट टाइम। अब आ गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, 18 मई 1848। जगह कौन सी थी जहां पे ये हुई? प्लेस क्या थी? हॉल ऑफ मिरर्स, सेंट पॉल चर्च। कहां पे हुई? सेंट पॉल। मेंबर्स हु अटेंडेड दिस पार्लियामेंट्री मीटिंग, हाउ मेनी मेंबर्स? 830 831 832 835। 831 delegates attended this meeting. किसने, किन्होंने अटेंड की थी? 831. Who were standing at back as observers? Children, peasants, women,
who were standing women were standing at back as observers, their views were not taken. Who refused to become constitutional monarch here? Vilayampur. Who was Vilayampur? He was ruler of Germany. Germany to abhi bana hi nahi tha. Germany was divided into 39 states. Prussia. Good. Who took the initiative for the unification of Germany? Sardinia, Piedmont or Prussia? Who took the initiative for the unification of Germany? Prussia. Who was the chief minister of Prussia? Otto von Bismarck. Who is known as Bismarck of Italy? With which act? Who is saying Garibaldi? Who is so intelligent? Bismarck of Italy? Count Cavour. Because Count Cavour was the chief minister of Sardinia, Piedmont, and he did the work of the unification of Italy. And udhar se tha, Bismarck was the chief minister of Russia and he did the unification work of the Germany. Act of Union 1707, say which country became the subordinate partners of UK? Scotland. With the Act of Union 1801, that Dash country was forcibly incorporated in UK. Ireland. Who was Wolfstone? Who was Wolfstone? Irish man who didn't want to become the part of Republic. He didn't want to become the part of UK. He wanted to be the part of Republic of Ireland and he protested. But this revolt was suppressed by Protestants. He was Catholic leader. Next is Bloodless Revolt came in England in which year? Bloodless Revolt. Kaun si year mein aaya? 1688. Isse hum aur kya kehte hain? Glorious Revolution. Glorious Revolution came in 1688. In which country? England. Kahan pe aaya Glorious Revolution? England. Great Britain, England, ek hi baat hai. And with this revolt, Dash gave its powers to Dash. Kisne apni powers kisko de di? Monarchy gave its powers to Parliament in a peaceful manner. Glorious Revolution came in England in 1680. With this, monarchy of England gave its powers to Parliament in a peaceful manner. इसीलिए ग्लोरियस कहा गया, बिकॉज देयर वाज नो ब्लडशेड, नो वार. यूके वाज, व्हाई वी आर सेइंग के देयर वाज स्ट्रेंज केस विद ब्रिटेन. क्यों स्ट्रेंज केस था? क्योंकि यूके हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, या फिर विद यूके हम कहते हैं स्ट्रेंज केस. देयर वाज सो मच ब्लडशेड इन यूके, या फिर हम कहेंगे कि विद द पीसफुल मैनर यूके वाज यूनिफाइड, तभी से स्ट्रेंज केस कहा गया ना, कि यहाँ पे ब्लडशेड भी नहीं हुई, वार भी नहीं हुई, बट यूके वाज यूनिफाइड इन अ पीसफुल वे. तो इसके बाद आ जाता है आपके एलेगरीज. जर्मेनिया, एलेगरियो, एलेगरियो फ्रांस, मेरियन. क्या ये कोई पर्टिकुलर वुमन थी? नहीं. ये कौन से कैसे नाम कहाँ से लिए गए, कैसे नाम थी ये? मिथिकल नेम, पॉपुलर क्रिश्चन नेम, पॉपुलर क्रिश्चन नेम थे, मिथिकल भी थे, पॉपुलर मैंने वैसे बोला, मिथिकल भी थे, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम थे ये, ठीक है, मनगढ़ंत थी ये. ये कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं थी. ओक लीव्स इन जर्मनी स्टैंड्स फॉर, ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ है ना जर्मेनिया ने, तो ओक लीव्स इन जर्मनी स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. ओक लीव्स इन जर्मनी स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. इन जर्मनी ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, लर्न इट. नेक्स्ट, इसके बाद आया था बल्कन प्रॉब्लम. बल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड पीपल ऑफ बल्कन वर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स. इनहैबिटेंट्स ऑफ बल्कन वर नोन एज स्लेव्स. एंड हु वाज नोन एज सुल्तान ऑफ टर्की वाज नोन एज डैश ऑफ यूरोप. मैंने हिंट भी दे दिया. सिक मैन ऑफ यूरोप, सिक बीमार,
कि वो वीक हो चुका है. दैट्स वाई बल्कन के लोगों को इंस्पिरेशंस मिली एंड दे डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट सुल्तान, क्योंकि वो पहले उससे डरते थे, उसने डोमिनेट किया हुआ था इन्हें. बट सुल्तान केम टू बी नोन एज सिक मैन ऑफ SICK, सिक मैन ऑफ यूरोप. तो पीपल ऑफ बल्कन गॉट इंस्पिरेशंस एंड दे डिक्लेयर्ड देयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस. इसीलिए उन्होंने अपनी वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी.